नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के शॉर्ट लिस्टेड मैसेज कब शुरू होंगे, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो आज जो है शॉर्ट लिस्टेड करने का काम शुरू कर दिया है हरियाणा कौशल ने, ठीक है। आज जो है चौकीदार के मैसेज आए हैं, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हर अपडेट आपको मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। लगभग 19,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चौकीदार के मैसेज आए हैं। चौकीदार के मैसेज कहाँ आए हैं? मार्केट कमेटी के लिए आए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पहले 2 बार आ चुके हैं मार्केट कमेटी में, अब जो है मार्केट कमेटी में चौकीदारों के लिए आए हैं। और आपको मैं पहले अलर्ट कर दूँ, 45 दिन के लिए जॉब रहेगी। आप ऑफर लेटर जो जारी हुए हैं उसमें 45 दिन दिए हुए हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपका 45 दिन ही रहेगा। पहले पिछले साल जो लगे थे 2023 में मार्केट कमेटी में, उनको भी 45 दिन ही जो है नौकरी करवाई गई थी, उसके बाद रिलीव कर दिया गया था चौकीदार को भी, डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी। 900 जो है एक लगे हुए थे, 500 एक कर्मचारी लगे हुए थे, यानी चौकीदार और डाटा एंट्री ऑपरेटर 900 और 500 की संख्या में थी। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर लगे हुए हैं वो तो पहले से ही जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, कि 45 दिन की जॉब है, क्या करें क्या करें। बस फायदा इतना है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में 45 दिन करने के बाद अगर हट जाओगे तो जहाँ भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होगी वहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट करने का काम कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही फायदा है इसको ज्वाइन करने का। और कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में लगते हो वहाँ पे टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट कमेटी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीजन के दौरान आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अभी आपको पता है जीरे का सीजन चला हुआ है, आगे बाजरे की खरीद होगी, तो यहाँ पे इसलिए चौकीदार और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, और नए शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके बारे में अपडेट आपको कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।